अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुवैत से कुछ लेटेस्ट अपडेट है सभी एक्सपर्ट्स को लेकर के। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों बता दें कि कुवैत के अंदर जो डोमेस्टिक वर्कर खादी में काम पर एंट्री करने वाले हैं अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि कुवैत के अंदर जो हालात है इस टाइम बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। जो PCR वगैरह टेस्ट है वो भी हटा दिया गया है, जिसके कारण अलग अलग कंट्री से आने वाले प्रवासी की जो संख्या है लगातार बढ़ती हुई जा रही है। जितने भी दोस्तों प्रवासी नए वीज़ा पे आने वाले हैं, जैसे कि दोस्तों आप इस फोटो में भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट है उनके अनुसार बताया गया है कि जो कुवैत का अल सुवैक मेडिकल सेंटर है, उनके अलावा मिश्रिफ हॉल के अंदर भी जो भी नए प्रवासी कुवैत के अंदर एंट्री करते हैं उनका मेडिकल होता है। यानी कि कई मेडिकल होने के बाद भी प्रवासी इतने हैं कि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हैवी रश है, जिनको देखते हुए कुवैत गवर्नमेंट ने अल सुवैक जो मेडिकल सेंटर है उनको भी बढ़ाया गया है। कई और भी एक्स्ट्रा केबिन क्रिएट किया गया है, लेकिन उनके बावजूद भी जो भीड़ है लोगों की आने वाले वो कम नहीं हो रहा है। मेडिकल के अंदर भीड़ के कारण बताया जाता है कि जो प्रवासी है वो तकरीबन सुबह के 4 बजे वहां पे पहुंच जाते हैं, 8 बजे सेंटर खुलता है, जिनके बाद यानी कि इतना पहले वो चला जाते हैं। कुवैत से सभी अपडेट के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।